पूरा महानगर जल प्लावित हो जाता था। आज 12-12 घंटे तक मूसलाधार बारिश पड़ रही है और गोरखपुर में जब गुड़धोवा नाले का काम पूरा हो जाएगा तब एक बूंद पानी भी गोरखपुर महानगर के अंदर नहीं लगेगा। यह भी हम लोग उस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरीन विकास की इन योजनाओं ने गोरखपुर को एक पहचान दी। आज गोरखपुर में जो भी आता है वो गोरखपुर की बदली हुई तस्वीर को देख करके अभिभूत होता है। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं इसमें केवल जनप्रतिनिधि ही नहीं, आम जनमानस की भी भागीदारी होनी चाहिए कि वह भी इन कार्यों को इस रूप में बनाए रखें, उसको नुकसान न पहुंचाएं और कहीं भी कोई ऐसा कार्य न करें जिसके कारण गोरखपुर महानगर की छवि धूमिल होती हो, विकास बाधित होता हो, आम जनमानस को परेशानी होती हो। आज आप देख रहे होंगे चौराहे चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, चौराहों का सुंदरीकरण हो रहा है। कोई भी आता है उन चौराहों को देखता है अभिभूत होता है, लाइटिंग को देखता है अभिभूत होता है, नगर निगम के इस भव्य भवन को देखता है अभिभूत होता है, उसको लगता है ये नयापन है। और संभवतः इस बोर्ड के लिए सीताराम जायसवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में सचमुच सौभाग्यशाली माने कि उन्होंने दशकों बाद गोरखपुर नगर निगम को इतना भव्य भवन दिया है, इतना भव्य भवन। मुझे लगता है रवि किशन जी इस बारे में जरूर कर रहे होंगे कि वे भी अगर यहाँ पर महापौर होते तो भवन संभवतः उनके समय बना होता तो वह जब उनके ग्रैंडसन आने वाले समय में पॉलिटिक्स में आएंगे तो उनको भी याद होगा कि देखिए हमारे ग्रैंडफादर के समय ये सब बना है, उनको भी देखने और सुनने को ये मिलता है। लेकिन यह सौभाग्य लिखा हुआ था सीताराम जायसवाल जी और उनकी कंपनी के साथ, जो बोर्ड में उनके साथ पार्षद हैं, उनकी टीम के सदस्य हैं, उनके नाम से लिखा हुआ था और आज इसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, जितनी परियोजनाएं हैं, जो 80 नए वार्ड गोरखपुर महानगर में बन रहे हैं, इन सभी 80 वार्डों में सभी सड़कें लगभग इससे आच्छादित हो जाती हैं और सभी सड़कों को लेकर के जल निकासी की उचित व्यवस्था को लेकर के स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को लेकर के स्वच्छता के कार्यक्रम को लेकर के डोर टू डोर कलेक्शन हो, इस कार्यक्रम को लेकर के एक विशिष्ट अभियान आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर चल रहा है और उसमें हर नगर निगम को भी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ना है। जनभागीदारी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। नगर निगम और शासन धनराशि देकर के कूड़ा प्रबंधन का कार्य करेगा, लेकिन नागरिक की जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर का कूड़ा नाली के अंदर या सड़क पर नहीं फेंकेंगे। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हम जबरदस्ती नाली के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीनों पर कब्जा नहीं करेंगे, स्ट्रीट लाइट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और दिन में कहीं भी कोई लाइट अनावश्यक जलती हुई नहीं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि यह लॉस पहले तो नगर निगम का होगा, फिर राज्य का होगा और अंततः राष्ट्रीय क्षति होती है। हमें इससे बचाना होगा और इस दृष्टि आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आप सबने विकास में रुचि ली, आज गोरखपुर की तस्वीर बदली है, आज गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा बदली है। मैं पिछले दिनों यहां के जू में गया था, जो चिड़ियाघर है, प्राणी उद्यान है, आपने देखा कितने अच्छे अच्छे जानवर वहां पर आए थे, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां जाते हैं, उनको देख करके जीव जगत की जीवंतता नजर आती है। किस रूप में उनके अंदर जीवंतता है और उसे बनाए रखने के लिए गोरखपुर के अंदर जू भी इस दौरान मिल गया। गोरखपुर के पास अपना प्रेक्षागृह, मैं देखता था यहां प्रेक्षागृह के लिए 30 वर्षों से लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन आज गोरखपुर के पास अपना भव्य प्रेक्षागृह भी है। गोरखपुर के अंदर आज वह सब कुछ है जो
किसी एक नगर को चाहिए, लेकिन भाइयों बहनों उसको संभाल के रखना और उसको बनाए रखना ये पूरे महानगर की जिम्मेदारी बनती है। और उस महानगर की उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक होकर के उसके साथ जुड़ना होगा। दीपावली का पर्व आने वाला है, भीड़ भाड़ होगी, उसी दौरान हम सबका दायित्व बनता है हम अपने अपने वार्डों में विशेष अभियान चलाएं स्वच्छता का, कहीं भी कूड़ा का तिनका न दिखाई दे। अभी मंच पर महापौर जी बोल रहे थे कि लगता है आज रवि किशन मुझसे कुछ नाराज है। मैंने कहा आपसे नाराज नहीं है, आप उनकी प्रतिस्पर्धा में जा रहे होंगे, लेकिन यह तो उनको अच्छा लगेगा कि उनसे जवान व्यक्ति उनकी प्रतिस्पर्धा में आया है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा उस कूड़े के कारण वे लगता है आपसे नाराज होंगे। सफाई, हमें स्वच्छता पे ध्यान देना होगा और ध्यान रखना होगा कहीं भी कूड़ा न रहे, गंदगी न रहे, हर जगह अच्छी सजावट हो, छिड़काव हो। भारी बरसात के कारण, अतिवृष्टि के कारण आपने देखा होगा बहुत जगह डेंगू फैल रहा है, वायरल फीवर आएंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां आएंगे। हम अगर हम स्वच्छता पे ध्यान देंगे, छिड़काव करेंगे, तो मच्छर बनने के पहले लार्वा स्थिति में ही वो मर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बीमारी नहीं फैलेगी, हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, त्योहार हर्षोल्लास के साथ उमंग के साथ हम मना पाएंगे। अगर थोड़ी भी लापरवाही होगी तमाम प्रकार की बीमारियां फिर से आएंगी। गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश ने तो मस्तिष्क ज्वर की कहर को देखा है। स्वच्छता के कारण, शुद्ध पेयजल के कारण, बेहतरीन प्रबंधन के कारण, स्वास्थ्य की सुविधाओं को उन्नत करने के कारण आज मस्तिष्क ज्वर से होने वाली हजारों मौतों को नियंत्रित किया जा चुका है। आज हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा है। मासूम बच्चे जो पहले असमय इस बीमारी की चपेट में आते थे, आज वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। यह एक उपलब्धि है हमारी, लेकिन इस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए जो परिश्रम हुआ है, जो पुरुषार्थ हुआ है, उसे दैनिक जीवन में भी निरंतरता बनी रहेगी, बनी रहनी चाहिए। और जब हम इसको बनाए रखेंगे, उसके परिणाम उसी रूप में हम सबके सामने आएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन का देश को एक नया विजन दिया। स्मार्ट सिटी के अंदर प्रदेश के अंदर 10 सिटी विकसित हो रही हैं। अमृत योजना में 60 सिटी प्रदेश के अंदर विकसित हो रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जो 7 अन्य नगर निगम है जिनमें गोरखपुर भी है, उनको हमने राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लिया। आज वहां पर ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था सीसीटीवी कैमरे के साथ ही संचालित हो जाती है। आज वहां पर अन्य अनेक ऐसे कार्य हो रहे हैं जो हमारी सिटी को स्मार्ट बनाती है। लेकिन स्मार्ट सिटी के साथ हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे जब गोरखपुर के अंदर इलेक्ट्रिक बसेज चलती है, बड़ी डिमांड होती है कि ये बसेज पिपराइज से भी चला दीजिए, भटड़ से भी चलाइए, चोरी चोरा से भी चलाइए, पीपीगंज से भी चलाइए, सैजनवा से भी चलाइए, बांसगांव और कौड़ीराम से भी चलाइए। हर एक जगह से मांग हो रही है कि इन बसेज को सिटी के जोड़ने के लिए इन सभी जगहों से जुड़वाइए। बसेज कितनी स्मूथली चलती है, कोई आवाज नहीं, कोई धुआं नहीं, चुपचाप सड़क पे चलती, यानी आपकी बगल से इलेक्ट्रिक बस निकल जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर हॉर्न, ड्राइवर हॉर्न ना मारे तो पता ही नहीं लगेगा। और इसलिए ये सुविधा आपको मिली है, इस सुविधा को सजोए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इसलिए अपने शहर को स्वच्छता के पथ पर अग्रसर करना, शासन के द्वारा दिए गए व्यवस्था को सजो के रखना, दीपावली के अवसर पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना और छिड़काव को पर्याप्त मात्रा में अपने अपने वार्डों में करवाने के साथ साथ जो नए क्षेत्र आए हैं उन नए क्षेत्रों के स्वागत के लिए भी विशेष प्रावधान करना,
उनको लगना चाहिए कि नगर निगम क्षेत्र में आने पर हमें अब लाभ हो रहा है, हमारा विकास हो रहा है, कोई हमारा सुध लेने वाला है। और ये कार्य आज जिस तेजी के साथ प्रारंभ हुए हैं, क्योंकि विकास के इन कार्यों के लिए शासन ने भी, नगर निगम ने भी, विकास प्राधिकरण ने भी पैसा दिया, जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के महापौर जी ने, सांसद जी ने, विधायकों ने, पार्षदों ने अपने स्तर पर प्रयास किया, हर एक वार्ड के लिए कुछ न कुछ आज कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इन सभी कार्यों का, जिनका लोकार्पण हो रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जिन कार्यों का शिलान्यास हो रहा है, इन सभी संस्थाओं से, नगर निगम से भी, विकास प्राधिकरण से मैं कहूंगा कि इन सभी कार्यों को मानक की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। कार्य के मानक और गुणवत्ता पर किसी को भी उंगली उठाने का अवसर न मिले और सामान्य नागरिकों के आवागमन पर भी निर्माण कार्य के दौरान विपरीत असर न पड़े। हमारा प्रयास हो क्वालिटी के साथ जहां सीसी कार्य होने हैं, रात्रि के समय अगर हम करेंगे तो उस समय सड़क आवागमन के लिए खाली रहेगी, फटाफट बनाते हुए एक टेम्पररी मार्ग भी उस दौरान लोगों को आने जाने के लिए दे देंगे, जिससे किसी भी व्यवस्था, किसी को भी आने जाने में समस्या न हो। अच्छी जल निकासी की व्यवस्था भी इन कार्यों के साथ की जा रही है कि सड़क बनेगी तो जल निकासी की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ये सभी कार्य गोरखपुर महानगर को और नगर निगम चुनाव के पहले पहले ये सभी कार्य प्रारंभ हो, अच्छे ढंग से प्रारंभ हो, इस विश्वास के साथ मैं गोरखपुर के सभी महानगर वासियों को इन विकास कार्यों के लिए हृदय से बधाई देता हूं। ABP News आपको रखे आगे।